35 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी आमिर खान की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक के जरिए एक्टर ने रातों रात जीता था फैंस का दिल। आमिर खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है। उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमिर फिल्मों का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। अक्सर देखा गया है कि आमिर साल में केवल एक ही फिल्म करते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहती है। हालांकि पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और इसके बाद आमिर ने फिल्मों से कुछ दिन दूर रहने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि आमिर खान ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी है। वही एक फिल्म है जो उनके दिल के सबसे करीब है, उसका नाम है कयामत से कयामत तक। 35 साल पहले आज ही के दिन ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। तो चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साल 1988 में रिलीज हुई मंसूर अली खान की फिल्म कयामत से कयामत तक सुपरहिट रही थी। उस वक्त इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद आमिर रातों रात स्टार बन गए। बीते दिनों आमिर ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि वो इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और उन्हें हर महीने तकरीबन 1,000 रुपए सैलरी मिलती थी, जो उस समय के हिसाब से काफी थी। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि इस फिल्म का नाम कयामत से कयामत तक नहीं रखा गया था। पहले इसे नफरतों के वारिस के नाम से बनाया जा रहा था। बाद में डायरेक्टर मंसूर खान को ये नाम बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगा और उन्होंने इसे बदल दिया। आपने इस फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग पापा कहते हैं तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि इस गाने में आमिर खान की एक्स वाइफ रीना दत्ता भी नजर आई थी। गाने के आखिर में आमिर जिस लड़की के पास जाते हैं वो उनकी वाइफ रीना ही थी। कहा जाता है कि रीना दत्ता और आमिर उस समय नए नए शादी के बंधन में बंधे थे और वो आमिर से मिलने के लिए अचानक सेट पर पहुंची थी। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा जानकर आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर इमरान खान भी नजर आए थे। उन्होंने आमिर खान के बचपन का रोल निभाया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने बतौर लीड एक्टर जाने तू या जाने ना से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा कहा जाता है कि इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए आमिर खान ने खूब मेहनत की थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई और को स्टार राज जुच्छी के साथ मुंबई के कई ऑटो रिक्शा पर फिल्म के पोस्टर चिपकाए थे। इस दौरान उन्होंने सबको बताया भी था कि वो इस फिल्म के हीरो हैं। वेल, उस वक्त की गई आमिर की ये मेहनत रंग लाई और उनकी इसी मेहनत ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।